ये देखिए, ये रहा ललित बस स्टेशन में वृंदावन के तथ्य पर बना प्रेम मंदिर का पंडाल जो बहुत ही आकर्षित है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ, अभी दशहरे का त्यौहार चल रहा है और हमारे सिवान में एक से बढ़कर एक पंडाल बने हुए हैं, तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको सिवान का पंडाल का मार्गदर्शन कराऊँगा और दिखाऊँगा कहाँ कहाँ कौन सा पंडाल बना हुआ है, और मार्केट का भी मार्गदर्शन कराऊँगा कि अभी दशहरे में क्या क्या मिल रहा है। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे देखने के लिए और जानने के लिए। ये देखिए, ये रहा पी देवी का बहुत ही अद्भुत पंडाल। आइए हम चलते हैं सीधा पास से और अब बच्चे लोग खिलौने बेच रहे हैं। देखिए, ये उम्र है खेलने कूदने का है, ये लोग मतलब खिलौना बेच रहे हैं रोजी रोटी के लिए। देखिए कैमरा देखकर ये लोग अब मस्ती करने लगे, और इन लोगों का उम्र है अभी पढ़ने लिखने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही मतलब त्यौहार में लोग दो चार पैसा आमदनी हो जाता है। ये देखिए बच्चे लोग कुछ कहना चाहते हैं, हेलो गाइस, तो हम लोग यहाँ पर मंदिर में इतना छोटे छोटे होकर अभी खिलौना बेचते हैं, लो यहाँ पर हम लोग को परिवर्तित करें, देख सकते हैं ये हम लोग का खिलौना है, ये सब हम लोग का खिलौना है, ये सब ऐसा ऐसा खिलौना रहता है, ये मेरा देखिए। पी देवी मोड़ के पास मेला लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ सामान बिक रहा है, खाने पीने के लिए और खेलने कूदने का, खिलौना वगैरह बिक रहा है। क्या रख ले बड़ो दादा बा? चाट है, पानी पूरी है, पापड़ी चाट है, दही दही पूरी है, चार आइटम बा। चौमिन और चौमिन बर्गर है। बर्गर कितना है? बर्गर दे रहे हैं 20 रुपये का है। 20 का बर्गर, चौमिन चौमिन 20 और 10 दोनों है, 10 और 20। अब इधर देख सकते हैं चाउमीन और बर्गर रखा हुआ है जो तैयार करें, इधर बर्गर तैयार हो रहा है और बहुत ही मतलब किफायत रेट में बेच रहे हैं, आपको खरीदारी करना खरीद सकते हैं। ये देखिए, ये गोलगप्पा रहा, ये देख सकते हैं श्रृंगार का सामान बिक रहा है, दादाजी बेच रहे हैं। इस उम्र में आप लोग इधर आए तो ज़रूर इनके पास अवश्य खरीदारी करें आकर। और ये देखिए, ये खिलौने वगैरह बेच रहे हैं बच्चों के, यहाँ पर ऐसा तो कस्टमर है नहीं, लेकिन फिर भी लोग लगाए हुए इस उम्मीद में कि कोई ना कोई खरीद लेगा आकर। और आप लोग कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के पास से ख़रीदारी करने का, क्योंकि यही दिन होता है इन लोगों का, मतलब दो चार पैसा कमा लेते हैं इस त्यौहार वगैरह में। ये देख सकते हैं, ये मेन रोड है पी देवी का, और ये रहा एक बैंक, ये रहा बाबूज होटल, अब ये रहा बड़ी मस्जिद का पंडाल जो बहुत ही मतलब अद्भुत बना हुआ है। ये भी आप अंदर से मार्गदर्शन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए पूजा अर्चना हो रहा है, यहाँ पर पंडित जी अर्चना कर रहे हैं, भक्त लोगों की लाइन लगी हुई है इसमें। ये देखिए, ये रहा दरबार रोड का गलापट्टी का पंडाल, और ये देख सकते हैं यहाँ पर पास से आप दर्शन कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ अभी आँख नहीं खुला हुआ है, शायद 12 बजे के बाद खुलेगा। पास से देख सकते हैं कितना अद्भुत प्रतिमा बना हुआ है, और ये देखिए ये अखाड़ा नंबर कितना है, 6 नंबर अखाड़ा का है गलापट्टी का। ये देखिए, ये भक्त लोग बैठे हुए हैं दर्शन के लिए, सब कोई समिति के कुछ लोग हैं और कुछ लोग दर्शन करने आए हुए हैं इन लोगों। ये देखिए, ये शिव जी हैं, देख सकते हैं।
ये देखिए, ये रहा ललित बस स्टैंड में वृंदावन के तथ्य पर बना प्रेम मंदिर, जो सिवान का सबसे महंगा और अद्भुत पंडाल है। दूर से ही आकर्षित कर रहा है, भक्तों की लाइन लगी पड़ी है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं इसको देखने के लिए। अगर आप सिवान से बाहर के हैं तो ज़रूर आइए और देखिए, बहुत ही अद्भुत है। ये रहा ललित बस स्टैंड और यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और आ रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, क्या फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये पूरी आप देख सकते हैं ये कितना है, और पास से देख सकते हैं इसमें, मतलब जितना आप देखिएगा आपका मतलब बहुत ही आकर्षित ये बना हुआ है पंडाल। और इसको कंप्लीट किया है सम्राट टेंट ने, मतलब बहुत ही लाजवाब। जितनी तारीफ की जाए पंडाल की बहुत कम है। ये देखिए और करीब से देख सकते हैं तो कितना अद्भुत पंडाल है ये। ये देखिए, ये चारों बगल का नज़ारा देख सकते हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो लोग लगे पड़े हैं एकदम। तो सबसे अद्भुत नज़ारा है ये इस पंडाल का। देखिए ये रहा फतेहपुर बाईपास का पंडाल, और आइए चलिए पास से हम दर्शन कराते हैं आपको। और ये देख सकते हैं भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, और देखिए और पास से देख सकते हैं प्रतिमा, काली माई की प्रतिमा बनी हुई है। ये रहा बबुनिया मोड़ का पंडाल, तो आइए चलते हैं यहाँ भी दिखाते हैं आपको और मार्गदर्शन कराते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अंदर से। आप ये देख सकते हैं पास से, ये देखिए भक्त लोग सेल्फी ले रहे हैं साथ में। ये देखिए मेन रोड दरबार के पास का हो गया, जो नील गगन से सटे है। ये पंडाल मतलब एक से बढ़कर एक पंडाल बना हुआ है और प्रतिमा बनी हुई है, आप दर्शन कर सकते हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और ये देख सकते हैं ये मेन रोड है, ये अब आप मेन रोड का भी नज़ारा ले सकते हैं हमारा सिवान का, जो दरबार का मेन रोड है। आइए और पास से चलते हैं, करीब से आपको दिखाते हैं। ये भाई 150 रुपये में कुर्ती बेच रहे हैं, अगर आपको ख़रीदारी करना होगा तो यहाँ पर ख़रीद सकते हैं आकर। आप सही सराय के बाहर लगाए हुए हैं अपना स्टॉल। आज के लिए वीडियो में इतना ही।